हरियाणा के मुख्यमंत्री आज पानीपत के होटल स्काईलार्क पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे पर जीत की खुशी साफ छलक रही थी। एग्जिट पोल पर आए हुए नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि नतीजे हमारे पक्ष में रहेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए कहा कि इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। SYL मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा तो हम पहले से ही उठाते आ रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारा यह पहले ही अंदाजा था कि हम पश्चिम बंगाल में अच्छा करने जा रहे हैं, बाकी आने वाली 23 तारीख को साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि जैसे हमारा आकलन था उसी हिसाब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। हम इससे संतुष्ट हैं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं और वास्तविक रिजल्ट 23 को आएगा। केंद्र सरकार में हमारा पूर्ण योगदान रहेगा। जो परिणाम आएंगे उनका निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में माहौल बनता है और सब माहौल हमारे पक्ष में है। जो हमारा आंकलन था उसी हिसाब से एग्जिट पोल ने बताया, इस बात का संतोष है। और 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जैसे बता रहे हैं, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 23 तारीख को जो वास्तविक रिजल्ट आएगा वो भी 10 सीटों के हिसाब से पूरा आएगा। और केंद्र सरकार में हमारा जो योगदान है, हमने अपना शत प्रतिशत योगदान किया, इसका संतोष। सर, विधानसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले ये परिणाम जो आ रहे हैं? हर एक पिछले चुनाव का अगले चुनाव पर फर्क पड़ता ही है। अगर जींद का चुनाव हुआ उसका इस पर फर्क पड़ा है। उससे पहले 5 मेयर हमारे डायरेक्ट चुनाव हुए, पानीपत का मेयर का हमारा डायरेक्ट चुनाव हुआ, इतनी अच्छी जीत हुई। तो ये सारे चुनाव एक दूसरे चुनाव के आगे माहौल बनाते हैं, तो आज का माहौल का निश्चित रूप से क्योंकि हरियाणा को SYL का पानी जल्दी मिलेगा उम्मीद करें लोग। अरे 20 साल से नहीं मिला, हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक इतना बड़ा काम करके निर्णय तो करा दिया, निर्णय कराया तो वो भी देखेंगे, लेकिन अब जल्दी उम्मीद करें। उसके बावजूद भी हमने जितने प्रबंधन किए हैं पानी के, आखिरी टेन तक पानी पहुँचाया है, हमारे पास अवेलेबल पानी उसका प्रबंधन करना। सर, साथ में हमने उत्तराखंड से जो हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े थे कितने सालों के, चाहे लखवार का था, चाहे वो रेणुका डैम है, चाहे किसाऊ का है, वो हम काम कर रहे हैं।